If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of refraction through a lens. इस चैप्टर से पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, उसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़े, लास्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े, प्रिज्म में कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब चीज़ हम लोग पहला जो वीडियो था इससे चैप्टर नंबर 4 का उसमें कवर करें। इस पार्ट में बच्चों, मतलब इस वीडियो में आप लोग पढ़ोगे रिफ्रैक्शन, वही रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे थ्रू अ लेंस। लेकिन लेंस से कैसे होता है, मतलब एक लेंस हमारे पास रहेगा, उससे आर पार कैसे लाइट होता है, रिफ्रैक्शन वहाँ पर कैसे क्या होता है, हम लोग यहाँ पर वो पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा चीज़ों को समझने के लिए। और एक चीज़, जब आप लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लो तो आप लोग ज़रूर से ये ओसवाल का बुक ज़रूर से बच्चों ख़रीदना, और ये ओसवाल बुक का जो क्वेश्चन बैंक है आपका फिजिक्स का, ज़रूर से इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करना। उससे क्या होगा ना, आप लोग बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड्स में इस चैप्टर से 1 से लेकर 5 मार्क का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, आप लोग लिंक के थ्रू ये बुक को डायरेक्टली घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चों, आप लोग वहाँ एक और लिंक देखोगे केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स का, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का कोर्स है। उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बच्चे पहले ही अपना प्रिपेयर करके बैठ चुके हैं। मतलब हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें बच्चे लोग अपना डाउट्स क्लियर करते हैं, और जो भी उनका रहता है बोर्ड्स का अपना जो भी क्वेश्चंस उनको एग्जाम में दिया जाता है वो लोग वहाँ शेयर करते हैं, ठीक है। हम लोग वीकली बच्चों ऑनलाइन क्लास में हर चीज़ डिस्कस करते हैं। बात यह है कि अभी आपका आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपका कोर्स जितना जल्दी हो सके हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट मैक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वहाँ पर डल चुका है, तो बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा, उनके एग्जाम में जो भी चैप्टर आ रहा है वो लोग वो वीडियो को देख के प्रिपेयर कर ले रहे हैं, और जो भी डाउट हो रहा है वो मुझसे क्लियर करें। अगर आप लोग भी बच्चों एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को ये जो WhatsApp में नंबर, मतलब ये जो स्क्रीन में आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है, आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करो और एनरोल आराम से करोगे, जो भी क्वेरीज होगा आपका क्लियर हो जाएगा थ्रू दिस नंबर, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, हम लोगों को सबसे पहले पता है रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हमको पता है रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक मीडियम ले रखे हैं, ठीक है, दो मीडियम है, ठीक है, ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम, सपोज़ ये एयर है और ये कांच हो गया, ठीक है, ये हमने नॉर्मल बनाए। हम लोग यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर ला के टकरा, एकदम सीधा जाता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंटर करेगा, अलग अलग मीडियम का अलग अलग डेंसिटी होता है, तो इट विल चेंज इट्स पाथ। अभी ये लाइट को जो था वो पूरा सीधा ऐसे निकलना था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, वो डेविएट हो जाएगा और दूसरा मीडियम में एंटर कर जाएगा। आप लोगों को पता है रिफ्रैक्शन के बारे में, मैं खाली रिकॉल करवा दे रही हूँ, ठीक है। अगर कोई नहीं देखा है तो वो चैप्टर देख के बैठो रे भाई, समझ में आया, वो चैप्टर पहले देखो फिर ये वाला चीज़ पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे लेंस क्या होता है, मतलब लेंस में रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो ज़रूरी है लेंस पढ़ना पहले कि लेंस होता क्या है। तो बच्चों लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट सा चीज़ होता है। यस, लेंस के आर पार देख सकते हो, ये भी लेंस है मेरे पास जो यहाँ पर है ना, ये लेंस है, ये लेंस है बच्चों ये, ठीक है। इसके आर पार देख पा रहे हो कि नहीं, ये मेरे पास है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। थोड़ा सा इसको सजा दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए, है ना। अच्छा, तो ये जो है दिख रहा है आपको, ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इसके आर पार दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। बाउंडेड बाय आइदर द टू स्पेरिकल सरफेस, मतलब इसके या तो दोनों तरफ स्पेरिकल सरफेस होगा, दोनों तरफ मतलब ये पार्ट भी दिख रहा है क्या, छड बे, ये पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ये और ये अंदर का पार्ट, मतलब दोनों हो सकता है, या तो स्पेरिकल सरफेस या फिर एक स्पेरिकल और दूसरा प्लेन सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस। दोनों मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों इसका या तो स्पेरिकल सरफेस हो सकता है या फिर एक स्पेरिकल और एक प्लेन सरफेस हो सकता है। ये एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिंग होता है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, लाइट इसके आर पार जाता है, तो लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और ये बच्चों पता है बहुत सारे फिनोमिनन हैं, आप लोग पढ़ोगे आगे चलकर, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। सबसे सिंपल आपको बताऊँ, आप लोग रात को तारा देखते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
तारा ट्विंकल ट्विंकल होता है कि नहीं होता है, चिक 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 जी कैसे ट्विंकलिंग होता है तारे का, स्टार्स का। और रियल में तारा ऐसे ऐसे डांस नहीं करता है वहाँ पर, वो वहाँ से लाइट आता है, वो लाइट अलग अलग मीडियम में ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन होता है, जब हमारी आँख तक वो लाइट पहुँचता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि तारा ट्विंकल कर रहा है, लेकिन तारा रियल में ट्विंकल नहीं करता, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो बस मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताई हूँ, ठीक है? आप लोग पढ़ोगे आगे में इसका एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन का, ठीक है? अब ये जो बच्चों लेंस है, लेंस का डेफिनेशन तो समझ गए। लेंस होता है बच्चों दो टाइप का, एक होता है कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है? कन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप से दिखता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये दोनों तरफ में देखो इस टाइप से बाउंडेड सर्फेस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कैसे पहचानोगे? वो बीच से मोटा होता है, थिक होता है मिडिल में, लेकिन एज में जाओगे तो यहाँ से पतला होता रहता है, इधर पतला, बीच में मोटा, ठीक है? कन्वेक्स लेंस बच्चों ऐसे तीन टाइप से आपको मिल सकता है। ये तो मेन आप लोग इसी के बारे में पढ़ोगे, ये सब आप लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन टाइप्स दिया है तो एक बार देख लो, ठीक है? आप लोगों को ऐसे बाई कन्वेक्स लेंस मिल सकता है, ऐसे प्लेनो कन्वेक्स भी मिल सकता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस मिल सकता है, और दूसरा मतलब तीसरा जो है वो कनकेवो कन्वेक्स मिल सकता है। दूसरा अगर आप लोग कनकेव लेंस के बारे में जानोगे, तो कनकेव लेंस जो मेरे पास है, ये लेंस कनकेव लेंस है। तो ये लेंस जो होता है वो थिन होता है मिडिल में, बीच में पतला होता है। कहाँ गया यार, यहाँ देखो, थीन होता है, बीच में पतला होता है, लेकिन इसका जो एजेस होते हैं ऊपर नीचे जाओगे तो ये मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है? ये भी देखो, इसको बोलेंगे बाई कनकेव, इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव, इसको बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव। सिंपल आप लोगों को याद रखना है कन्वेक्स और कनकेव का मतलब कैसे पहचानोगे। कन्वेक्स जो होता है वो इस टाइप से बनता है, शंकर जी का आँख होता है ना, तीसरा आँख, बस वैसे ही बनता है, ठीक है? बीच से मोटा और यहाँ से बादाम जैसा बन गया है ना, कच्चा बादाम, है कि नहीं? और कनकेव लेंस जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ओके, नाउ अब पीछे में जो लिखा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं वो यहाँ पर देखो। अब हम लोग इसमें जो रे डायग्राम बनाते हैं ना, कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है? मतलब आप लोगों को ये तो पता है, आप लोग पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, जैसे मैं ये लेंस बनाई, ठीक है? लेंस कैसे बीचों बीच से बनाती हूँ, लेंस का पूरा बीचों बीच में ये होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर, पढ़ोगे आप लोग, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन है ना जो पूरा लेंस के बीचों बीच से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये आप लोगों को पता है। सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन के आ रहा है ना, पैरेलल का मीनिंग आपको पता है, तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, लेंस में एंटर करेगा रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे बीच से लाइन बना देते हैं ना, तो हम यहाँ से रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है? तो बच्चों ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ना वो क्या करता है, मतलब ये रे ऑफ लाइट ना प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुक के काट के जाएंगे, उसको यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को काटता हुआ जाएगा। तो दोनों रे ऑफ लाइट देखो एक पॉइंट में मिला, मतलब ये कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट में आके मिलना, मतलब ये दूर दूर से अलग अलग जगह से रेज आ रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट में आके ऐसे करके मिल गया, तो कन्वर्ज हो गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? कन्वेक्स लेंस को हम लोग इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्ज कर देता है ये। और डाइवर्जिंग लेंस हम लोग कनकेव को बोलते हैं, ये कनकेव लेंस बनाए आप लोग, और इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कैसे? यहाँ पर भी सपोज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये लाइट को बिखेर देता है, ये लाइट को बिखरा डाइवर्ज कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में। ये वाला लाइट को ऐसे कर देगा, ये वाला रे ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। इसका नेचर ऐसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया? डाइवर्जिंग लेंस, सिंपल है ना, सिंपल सा चीज़ था ये। अब सम टर्म्स कनेक्टेड रिलेटेड टू लेंस। अब लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक बुक में दिया एक्शन ऑफ अ लेंस एज सेट ऑफ प्रिज्म वो बता देती हूँ, मैं उसके बारे में नोट्स नहीं बनाई हूँ। अब देखो बच्चों, ऐसे बोलते हैं कि लेंस में सेट ऑफ प्रिज्म्स देखने को मिलते हैं। कैसे? ये कौन सा लेंस बनाई मैं? कन्वेक्स लेंस बनाई। तो कन्वेक्स लेंस जो बनाई हूँ उसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक तरह से प्रिज्म जैसा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट इन्वर्टेड प्रिज्म जैसा हो गया, ठीक है? ये वाला जो अब यहाँ का जो पार्ट है देखोगे तो ये ट्रेपेजियम टाइप हो गया, यहाँ वाला पार्ट भी ऐसे ट्रेपेजियम टाइप हो गया, और बीच का ये जो है वो ग्लास स्लैब जैसा हो गया ये बीच का। तो ऐसे बोला जाता है नॉर्मली, अगर आप लोग देखोगे किसमें, ये कन्वेक्स लेंस में अगर आप लोग देखोगे कि इसके बीच में सेंट्रल पोर्शन में बच्चों रेक्टेंगुलर स्लैब है,
सेंट्रल पोर्शन में रेक्टेंगुलर स्लैब है, मतलब ये बीच में रेक्टेंगुलर स्लैब से बना है और इसके ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ प्रिज्म है। ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, मतलब इसका टॉपिक है एक्शन ऑफ अ लेंस इज अ सेट ऑफ प्रिज्म, बस इसमें यही है एज ए सेट ऑफ प्रिज्म। ये वाला प्रिज्म उल्टा है, ये प्रिज्म सीधा है, इसका बेस यहाँ पर इस तरफ है, इसका बेस यहाँ पर नीचे की तरफ है। और अगर हम लोग कनकेव लेंस का बात करेंगे तो कनकेव लेंस के लिए अपर पार्ट हैज़ अ प्रिज्म विथ इज बेस अपवर्ड्स। अपर पार्ट में ऐसे बोलते हैं प्रिज्म जो है उसका बेस अपवर्ड है, ठीक है। लोअर पार्ट में जो प्रिज्म है उसका बेस जो है वो डाउनवर्ड है, किसमें? कनकेव लेंस में। सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बच्चों, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, हमें नहीं भी बताती पर ठीक है, ठीक है ना। नाउ अभी कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड और कनकेव लेंस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे टर्म्स। तो देखो क्या टर्म्स है। अब ये देखो मैं ये कैसे बनाई हूँ, अब जैसे कि मैं यहाँ पर लेंस बना ली हूँ, सपोज हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, इसको ये वाला पार्ट जो है ये स्फेरिकल पार्ट, इसको गोल 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 घुमा के एक स्फीयर बना सकते हो, और ये वाला पार्ट जो है इसको ऐसे 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 घुमा के एक स्फीयर बना सकते हो। यहाँ पर इसका सेंटर, ये वाला स्फीयर का ये सेंटर, ये वाला स्फीयर का ये सेंटर, ठीक है, ये वाला स्फीयर का ये सेंटर, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, दोनों को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दो, ये लाइन हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका ये लेंस है, लेंस का पूरा बीचों बीच को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे जो सेंटर, अच्छा हाँ, ये जो मैं सेंटर बनाई हूँ ना स्पीयर का, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जो सी है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर का बीचों बीच वाला पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी कैसे बना देख लिए, अब ऑप्टिकल सेंटर बता दी। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर लिखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखा ही दे रही हूँ ना, वो बेटर होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसका डेफिनेशन लिखी हूँ बच्चों, डेफिनेशन आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ता है। देखो जोड़ा है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन वैसे जोड़ने का काम करता है। ऑप्टिकल सेंटर भी मैं आपको बता दी, अब आपको बताऊंगी मैं फोकस के बारे में, किसके बारे में? प्रिंसिपल फोकस के बारे में। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, ऐसे ये वाला डायग्राम देखो, जैसे कि आपके पास कन्वेक्स लेंस है बच्चों, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, रिफ्रैक्शन के बाद वो लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो वो लोग ना प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करते हैं और एक पॉइंट में ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट मिलते हैं, तो ये जो पॉइंट में ये लोग मिले इसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये लोग जो पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये लोग एक पॉइंट में मिलते हैं दोनों, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और अगर मैं इस लेंस का बात करूँगी, कनकेव लेंस का बात करूँगी, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये लोग रिफ्रैक्शन करेंगे, लेकिन ये लाइट क्या करता है? इनको वैसे बाहर की तरफ फेंक देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पर, अच्छा इस केस में रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एक लाइट एक पॉइंट में मिले ना, लेकिन यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहे, तो यहाँ कैसे मिलाओगे आप लोग? ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है उसको पीछे पीछे डॉटेड लाइन से खींचना, इसको खींचना, और दोनों यहाँ पर एक पॉइंट में मिलेंगे, बस इसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। और बच्चों ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट में मिलता है ना, उसी पॉइंट में इमेज बनता है। मतलब आप लोग यहाँ पर एक पेन रखे रहोगे, वो पेन का इमेज इधर बनेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट में ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट लोग आके अपीयर्स टू मीट, इस केस में तो अपीयर्स टू मीट, रियल में तो मिले नहीं, हम लोग पीछे 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 खींचे और मिलाए, तो हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, ठीक है। उस पॉइंट में बनता है इमेज, उस पॉइंट में क्या बनता है? इमेज बनता है, उस पॉइंट में बनता है बच्चों इमेज। देखो यहाँ पर मैं वैसे ही डायग्राम बनाई हूँ, ठीक है। अब लिख भी दी हूँ मैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स का और कनकेव के केस में, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? सपोज ये वाला एक आपका एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर मतलब फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ का डबल कर दोगे तो सेंटर ऑफ मतलब रेडियस निकल जाएगा, मतलब
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ये है फोकस, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ करके हम दिखाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल फोकस इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यहाँ पर ये रहा। और कनकेव लेंस के केस में देखोगे तो सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, वैसे करके भागा, उसको पीछे 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 खींचे तो यहाँ पर फोकस हो गया, तो यहाँ पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जैसे कि आप लोग सर्कल में रेडियस निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, सेंटर था ये हो गया रेडियस, तो यहाँ पर भी लेंस का सेंटर और जो स्पीयर जो बनता है उसका जो सेंटर होता है उसका डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगेन जो मैं पीछे डायग्राम बनाई थी मैं फिर से बना दी हूँ, कनकेव लेंस के लिए भी बना दी हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया एफ वन, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी वन, क्योंकि दोनों तरफ होगा तो इधर एफ वन इधर एफ वन एफ टू, ठीक है, एफ टू एफ सी टू। और कनकेव लेंस के केस में इधर एफ वन सी वन, इसको याद रखना, इधर में एफ टू सी टू, ठीक है, एफ टू सी टू। और एक चीज़, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बनाओगे सब केस में। जब आप लोग डायग्राम पढ़ोगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं डिफरेंस बोलूँ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच का क्या डिफरेंस होता है बच्चों, सबसे पहला यहीं से देख लो, कन्वेक्स लेंस बीच से मोटा होता है और ये बीच से पतला होता है। कन्वेक्स लेंस जो है वो एजेस में जाके पतला हो जाता है थिन, लेकिन ये एजेस में जाके थिक हो जाता है, ठीक है। फिर कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ये भी लिख सकते हो। इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे को रियल में प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ घिसता है। यहाँ देखो जो इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो उसको रियल में रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाके घींच के लेके जाता है, लेकिन कनकेव लेंस में क्या रियल में वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे को घींच के लेके जा रहा था, नहीं, वो तो भाई डाइवर्ज करके फेंक दिया रे ऑफ लाइट को। हम लोगों को देखो यहाँ पर एरो दिखाना जरूरी है, आप लोग क्या किया उसको डॉट डॉट करके पीछे लेके आए, तो वो जिस पॉइंट में मिला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में उसको बोले आप फोकस, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कन्वेक्स लेंस के लिए इट कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करता है इंसिडेंट रे को टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये डाइवर्ज कर देता है, देखो ये डाइवर्ज कर देता है इंसिडेंट लाइट को, इंसिडेंट लाइट आ रहा था तो भगा दिया उसको। फिर इसका जो फोकस बनता है उसको हम रियल फोकस बोलते हैं, क्योंकि रियल में यहाँ पर एक पॉइंट में दोनों रे ऑफ लाइट मिले हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट मिले हैं, तो जो फोकस बनेगा वो रियल फोकस है। लेकिन इस केस में क्या रियल में ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कहीं मिल रहे थे, नहीं, हम लोग उस लाइन को पीछे पीछे खींचे और उसको एक पॉइंट में मिलाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल फोकस, नकली फोकस, ये वर्चुअल फोकस है, ठीक है, वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस है वो। ठीक है, अब कुछ रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम्स, रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम्स, अब कुछ रूल्स देखो डायग्राम को ड्रॉ करने का, तो मैं यहाँ पर बनाई हूँ। अब सबसे पहला रूल क्या बोलता है बच्चों, बहुत सिंपल है, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, दोनों लेंस के केस में देखोगे सबसे पहला रूल क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू इंसिडेंट, पैरेलल टू, एक मिनट, इंसिडेंट लाइट है ये, उसका एरो ये आप लोग बना दिए क्या, कन्वेक्स लेंस बना दिए, इससे बीच से एक सेपरेशन दे दिए, ऑप्टिकल सेंटर बना दिए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आ रहा है, अगर इस टाइप से रे ऑफ लाइट आता है तो आप लोग कैसे रिफ्रैक्शन करोगे, ठीक है, क्या करोगे उसके बाद, रिफ्रैक्शन में क्या करोगे, रिफ्रैक्शन में क्या करोगे, ये रे ऑफ लाइट को खींच के लेके आओगे, इसको खींच के लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और दोनों एक पॉइंट में मिलेंगे जिसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट नोन एज फोकस, और कनकेव लेंस में दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस, ये तो यहाँ से डाइवर्ज कर देगा, पीछे पीछे लेके आओगे फोकस में मिलेगा। तो कभी भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो आप लोग उसका इसी टाइप से रिफ्रैक्शन करोगे, इसी टाइप से उसका रिफ्रैक्शन करोगे। दूसरा, अगर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रहा है, ऐसे इंसिडेंट टू ऑप्टिकल सेंटर, रे ऑप्टिकल सेंटर में आ रहा है, तो पता है क्या होगा, दैट रे ऑफ लाइट विल पास अनडेविएटेड, वो बिना इधर उधर हुए डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा, इसको याद रखना। अगर ऐसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर सपोज ये फोकस इसका एफ वन है,
यहाँ पर सपोज ये फोकस इसका F2 है, ऐसे बना देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से जितना डिस्टेंस में F2 बनाओगे सेम डिस्टेंस में F1 बनाओगे। अगर रे ऑफ लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर में गिर रहा है सो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब इट विल गो अनडेविएटेड, वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, ऐसे ऐसे ही आप लोग एरो दोगे, ठीक है। इस केस में भी सेम, यहाँ पर इसका F2, इधर में F1 दे देना, बनाने में क्या है। उसके बाद इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, थर्ड केस, अगर आप लोग ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे हो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस करता हुआ लेंस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखो एरो देखो ना, मतलब फोकस को क्रॉस कर रहा है और ये लेंस को मतलब लेंस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पर इसको ऐसे दिया है, यहाँ तक देगा और यहाँ से डॉट डॉट करके F1 की तरफ दिखाएगा, तो इसका मतलब भी यही है ना कि फोकस को क्रॉस कर रहा है। सपोज अ रे ऑफ लाइट फोकस को क्रॉस करके जा रहा है, किसको, फोकस को क्रॉस करके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल मूव। अब आप लोग पहला कंडीशन जो पढ़े थे, पहला में क्या पढ़े थे, अगर कहाँ गया यार वो, पहला में क्या पढ़े थे, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो फोकस को क्रॉस करके जाएगा, यहाँ उसका उल्टा होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि अगर फोकस को वो क्रॉस करके जा रहा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो निकल जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधा निकल जाएगा, ऐसे पूरा उसका उल्टा। यहाँ पर भी वो प्रिंसिपल फोकस को लग रहा है ना क्रॉस करके जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधा निकल जाएगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, क्लियर। ये सबको याद रखना, ये सब जब रे डायग्राम आप लोग पढ़ोगे ना उसमें काम आएगा, ठीक है, रे डायग्राम में काम आएगा। नाउ काइंड्स ऑफ इमेज, इमेज का काइंड्स देखो बच्चों, ये जो कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, ये लोग दो टाइप का इमेज बनाते हैं, ठीक है। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब रियल इमेज सिर्फ ये बनाता है, कौन, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पर रियल में जब रे ऑफ लाइट जाता है तो रियल में वो उसके रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलते हैं, रियल में होता है मीटिंग ऑफ दी लाइंस, जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइंस जो होते हैं वो रियल में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। आप लोग यहाँ भी देखो ना, रियल में क्रॉस कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यहाँ पर देखो डायग्राम में रिफ्रैक्शन के बाद वो लोग रियल में एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं, पर क्या यहाँ पर रियल में वो लोग मिल रहे हैं एक पॉइंट में, नहीं मिल रहे हैं, रियल में मिल रहे हैं, इसलिए जो इमेज बनाएगा वो रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज रिफ्रैक्टेड बाय लेंस। रेज जो लाइट मतलब लेंस जो रिफ्रैक्शन करता है, वो रेज लोग रियल में मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है दे अपीयर टू मीट, वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, रियल इमेज जो है उसको आप लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हो, स्क्रीन में वो इमेज दिखेगा, लेकिन ये वाला जो वर्चुअल इमेज है वो तो नकली इमेज है ना, तो वो स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक चीज़, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टा होता है बच्चों, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा उल्टा इन्वर्टेड होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा आपको सीधा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। मतलब सपोज ये पेंसिल है, अगर इसका रियल इमेज बनेगा तो वो पेंसिल आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन वर्चुअल केस में सपोज ये पेंसिल है तो उसका इमेज भी आपको पेंसिल ऐसे सीधा ही दिखेगा, ठीक है। रियल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज जो है वो, अच्छा एक और चीज़, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज तो बनाता है लेकिन कभी कभी वर्चुअल भी बना लेता है। एक कंडीशन होता है जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लेकिन बच्चों ये जो कनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, ये हमेशा, क्योंकि इसमें तो रियल में लाइन जो रेज ऑफ लाइट है वो मिलेंगे ही नहीं, तो ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। इसलिए मैं लिखी हूँ कि जो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंस, क्लियर। ओके, अब आप लोग पढ़ोगे इसका रे डायग्राम। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस का पढ़ोगे रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन में है तो क्या होगा, कैसे रिफ्रैक्शन होगा उसके, मतलब किस टाइप के इमेज बनेंगे, वो सब पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोग रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, हम लोग जो रे डायग्राम बना रहे हैं वो हम लोग एक्चुअली बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कंडीशन दे दी, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर में, अब बोलोगे बनाओ, तो आप लोग सबसे पहले ऐसे लेंस बनाओगे, कन्वेक्स लेंस है तो लेंस बनाओगे पेंसिल से बनाना, फिर इसको पूरा बीचों बीच से स्केल से ऐसे कर दोगे, फिर लेंस का बीचों बीच पार्ट ये है ऑप्टिकल सेंटर, फिर स्केल से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस घिंच देना। सुनो मैं जो जो बोल रही हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो बच्चों दूर से रेज ऑफ लाइट आएंगे, पूरा पैरेलल बनाना है इसको, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट दूर से आ रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर में, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहीं दिखाएंगे नहीं,
ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी रूल्स पढ़े थे, आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद दे विल मीट एट अ पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो इसको रियल में मिलाना, ये हो जाएगा एफ मतलब फोकस, ठीक है। अब ये फोकस हो गया, अब यहाँ पर इसको एफ टू लिखते हैं, जितना डिस्टेंस ओ से एफ का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर ओ से एफ वन का आप लोग करना, ठीक है। और ऐसे एरो दिखाना, ये एरो दिखाना ज़रूरी है, समझ में आया। ये तो पहला कंडीशन था आपका, ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी में था। तो कैसे क्या बनाना है बता दी मैं, तो यहाँ पर भी आप लोग ये करें, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट, रिफ्रैक्शन के बाद ये लोग एक पॉइंट में मिलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब मैं सोच रही हूँ, अब ये ना मैं बाद में सजा के बना दूंगी बच्चों, अभी मैं रफ में बताती हूँ, क्योंकि इधर में मिस्टेक हो जाएगा तो आपका नोट्स बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं F2 ले लेती हूँ, इसको F2 ही लिखते हैं, जितना O से F2 बनाया उतना ही F1 तक बनाना, मतलब F1 बनाना। अब हम लोग साइड में नेचर ऑफ द इमेज लिखते हैं, यहाँ इमेज का नेचर, इमेज का पोजीशन, वो कहाँ बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे आप लोग, इमेज कहाँ बनाया, फोकस में बनाया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर सॉरी। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये मिरर है, मिरर क्यों बोल रही हूँ, लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। लेंस का ये सामने वाला हिस्सा जो होता है ना, ये LHS है, ये RHS है। तो ये हमेशा लेंस के आगे जो LHS है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस कहलाएगा, और ये है लेंस के पीछे बिहाइंड द लेंस जो RHS कहलाएगा, RHS कहलाएगा, ठीक है। तो ये इमेज आपका ऐसा बनेगा। अब इमेज कहाँ पर बना, फोकस में बना, बिहाइंड द लेंस, है ना। और यहाँ पर ना एकदम पॉइंट साइज इमेज बनता है, बहुत छोटा इमेज बनता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी इमेज के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों अगर ये याद रखना, अगर बिहाइंड द लेंस इमेज बनता है, अगर इमेज हमेशा इधर बनता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है, और अगर इमेज इस तरफ बन रहा है, बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, रियल होता है इन्वर्टेड उल्टा। और कहाँ बन रहा है बच्चों, फोकस में बन रहा है, और कैसा है, डिमिनिश्ड है, मतलब ऑलमोस्ट एट अ, मतलब एक पॉइंट साइज है वो, ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट, एकदम छोटा सा इमेज बनेगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, एंड कहाँ बना है, फॉर्म्ड एट द फोकस या F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब जिस तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट रखें उसके दूसरे साइड में, इसलिए अदर साइड ऑफ द लेंस, क्लियर। अगर आपका इमेज इस तरफ बन रहा है, RHS बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो हम लोग हमेशा ये याद रखना आप लोग, उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, क्लियर। अभी अब बच्चों ये लेंस है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को बताई थी मैं, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप लोग 2F2 या 2F1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है वो, यहाँ का जितना डिस्टेंस इसको डबल कर दोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर 2F2 लिख दे रहे हैं, वैसे ही उतना दूरी में यहाँ पर 2F1 हो गया, समझ में आया। क्योंकि अब मैं इसलिए बताई हूँ, क्योंकि अब कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F1 और C1, अब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के या फिर C1, इसको C1 भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग C1 भी बोल सकते हैं और इसको C2 भी बोल सकते हैं। बियॉन्ड मतलब इसके पीछे, अब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड C1 है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर मैं बना दूंगी फोकस, आप लोग ऐसे लेंस बनाओगे, बीच से ऐसे लाइन काटोगे, बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर खोजोगे और प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे। सपोज ये F1 हो गया और ये हो गया 2F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया उतना ही इक्वल डिस्टेंस F2, और ये हो गया 2F2, क्लियर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के बियॉन्ड है, पीछे है, जिसका नाम दे देते हैं AB नाम दे देते हैं, किसका नाम दे देते हैं AB, ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम में बनाऊँगी, अगर ये F1, इसमें ना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा उसका पोजीशन कहाँ पर क्या बनेगा, सच बता रही हूँ मैं, वो प्रैक्टिस से होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, तो एक रे ऑफ लाइट को आप लोग सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओगे,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस को क्रॉस करके जाएगा, याद आया, पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो वो फोकस को क्रॉस करके जाता है। दूसरा आप लोग एक काम करना, दूसरा आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवा देना रे ऑफ लाइट को, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाता है तो वो ऑप्टिकल सेंटर मतलब सीधा का सीधा अनडेविएटेड निकल जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है, ये लाइट और ये लाइट रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये लोग कहाँ मिले, F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर ये लोग मिले, और लेंस के बिहाइंड में मिले हैं तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अगर इसका नाम ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा, या फिर ऐसे उल्टा ए बी लिख देना, या ए डैश बी डैश लिख देना, मतलब उल्टा बनाए, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F1 रहेगा तो इमेज इधर साइड में F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब यहाँ पर शायद मेरा मिस्टेक हो जाए, पेंसिल से बनाऊँ क्या, टाइम लग जाएगा बहुत। एक रे ऑफ लाइट जाएगा सीधा सीधा ले चलो, और दूसरा रे ऑफ लाइट को ऐसे ले चलो, चलो ये तो सीधा निकल जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड वो निकल जाएगा, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है सो फोकस को वो क्रॉस करेगा कुछ इस टाइप से, पूरा अच्छे से फोकस को क्रॉस करवाना ऐसे, ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा एरो। अब ये दोनों कहाँ मिले, F2 और 2F2 के बीच में, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है तो ऐसे करना, ऐसे उल्टा रे दे देना ए डैश बी डैश। अब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे आप लोग, इमेज किस टाइप से क्या बना है, कहाँ बना है, सो इमेज इज रियल और इन्वर्टेड तो है ही इमेज, इमेज इज रियल इन्वर्टेड उल्टा और छोटा बना है। यहाँ पर इमेज जो है वो कैसा बना है, इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बना है, छोटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, डिमिनिश्ड एंड और दूसरा कहाँ मिलेगा वो, फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्लियर, ये हुआ। नेक्स्ट अब देखो आपका ना इमेज पास आता जा रहा है, पहले इन्फिनिटी दूर में था, उसके बाद वो 2F1 के पीछे आया, अब 2F1 के ऊपर आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपका पास आता जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट आपका पास आता जा रहा है। अब इसे डायग्राम हमने बना दिए लेंस का, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F हो गया F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 के ऊपर है या फिर C1 के ऊपर है, 2F1 के ऊपर है, तो यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, एक रे ऑफ लाइट को आप लोग सीधा हमेशा ऐसे ही करना, तभी तो रूल्स पढ़े हो, वही रूल्स को यहाँ अप्लाई करना है, एक रे ऑफ लाइट को सीधा निकाल दिए और दूसरा रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिए, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिए, ऑप्टिकल सेंटर वाला बच्चों तो निकल जाएगा सीधा पूरा, क्योंकि वो अनडेविएटेड होता है, वो सीधा निकल गया ऑप्टिकल सेंटर वाला, और ये वाला फोकस को क्रॉस करके जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है देखो, बस मेरा बन जाएगा, मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर आप लोग इतना दूरी में अगर F1 लगाए हो ना, उतना ही दूरी में बच्चों F2 लगाना, इसलिए ना, क्योंकि मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस में होता है, और जितना दूर में ये है उतना ही दूर में 2F2, ठीक है। अब पहले फोकस से तो निकाल लो इसको, फोकस से तो निकाल लो, क्योंकि वो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे, फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया, देखो ऐसे एरो दिखा दो। अब यहाँ पर ये पॉइंट मिला है ना, इधर में बता दो आप लोग 2F2, मतलब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इक्वल डिस्टेंस होगा, चलो ये तो थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया लेकिन इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस पॉइंट में मिला। अब यहाँ पर वो इंटरसेक्ट किया है बच्चों, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, इस कंडीशन में याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट आपका 2F2 में मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मिलेगा, इमेज भी वहीं मिलेगा। अगर ये ए बी है तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इमेज का साइज़ भी सेम वैसे ही रहता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना बड़ा इमेज का साइज़, ठीक है। अब इमेज का आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इमेज कैसा है, रियल है,
इन्वर्टेड है, उल्टा है, एंड यहाँ पर तो मैं लिख सकती हूँ उसको ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, और कहाँ बना, इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बना, इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ बना वो लोकेशन होता है, लोकेशन भी लिखोगे, ये नेचर हो जाता है रियल इन्वर्टेड वाला, ठीक है, ये लोकेशन हो जाता है, ये उसका साइज हो जाता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा ना आपका इमेज दूर जाता जाएगा। देखो पहले फोकस में था, मतलब इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट, तो फोकस में मिला, फिर 2f1 के पीछे में था तो आपका इमेज यहाँ मिला था, फिर आपका ऑब्जेक्ट और पास आ गया 2f1 में तो आपका इमेज दूर जा रहा है ना, 2f2 में आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट आएगा इधर 2f1 और f1 के बीच में, कहाँ गया कंडीशन, ये रहा 2f1 और f1 के बीच में, तो इमेज और चल जाएगा दूर, इमेज आपका और चल जाएगा दूर, ठीक है। यहाँ पर ये f1 बना लो और यहाँ पर ये हो जाएगा 2f1, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट किधर है, बिटवीन, इनके बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा दो, ए बी, रे ऑफ लाइट निकालो, ठीक है। अब इस कंडीशन में इमेज जो होता है ना वो 2f2 के पीछे मिलेगा, 2f2 के पीछे मिलेगा, बस बन जाए मेरा, एक बार में बन जाए ना तो टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चों, मैं इसलिए ना इसको पहले से बना के रखती हूँ, पता है, ताकि आप लोगों को रफ में बना के समझा दूँ, जैसे मैं क्लास 9th का वीडियो में की थी ना वैसे। अब रे ऑफ लाइट एक तो सीधा जाएगा ऐसे पैरेलल, और एक जाएगा ऐसे, कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला जो है वो तो अनडेविएटेड पास हो जाएगा, इसको पूरा सीधा निकाल देना एक बार, इसको पूरा सीधा निकाल देना, ये सीधा निकल गया, ठीक है। इसका ऐसे एरो दे दो, अब ये फोकस से क्रॉस करेगा, ये बहुत दूर मिलेगा, बन जाना यार, यहाँ पर F2 दे दो, ठीक है, इसको फोकस से क्रॉस करवाओ, ये बहुत दूर मिलेगा, फोकस से काम करते हैं, रुको, क्योंकि ये दूर हो जाएगा ना तो हम लोग का पैसा नहीं कि पेपर को क्रॉस कर दे रहे भाई, पेपर को क्रॉस कर देगा तो कैसे होगा, सपोज आप लोग थोड़ा सा इधर बना दो F2 को, ठीक है, F2 को इधर बना दो, हाँ, अब फोकस से क्रॉस करवाओगे, क्योंकि फोकस को तो भाई पार करके इसको जाना ही है, फोकस को ये इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये लाइन को ऐसे बनाओ, घिंच दो कि इंटरसेक्ट हो जाए, देख रहे हो विनोद कहाँ इंटरसेक्ट होगा, ये बहुत दूर होगा, सपोज इधर हो गया, सपोज इधर हो गया, ठीक है, तो ये इधर से इधर हो गया F2, उतना इक्वल डिस्टेंस से बना दो 2f2। अब इधर में जो इमेज है बच्चों वो 2f2 के पीछे में इंटरसेक्ट होगा, पीछे में, तो यहाँ पर होगा इंटरसेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पीछे होगा 2f2 के, तो हो तो रहा है भाई। आप लोग इसीलिए देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इस डायग्राम में ना आप लोग प्रैक्टिस करके जाना ज़रूर से, सपोज़ ये इधर हो गया, इधर हो गया, सपोज़ ये इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया सपोज़, तो यहाँ पर आप लोग ए बी लिए थे, तो ये देखो ए डैस बी डैस, यहाँ कितना बड़ा इमेज बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है, तो इस केस से मैग्नीफाइड स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2f2 के बाद से जब 2f1 के अंदर में आता है, मतलब 2f1 में जब ऑब्जेक्ट था तो 2f2 में ही बन रहा था और इक्वल साइज बन रहा था, लेकिन जैसे फिर और अंदर लेके आते हो तो इमेज बड़ा बड़ा बनने लग जाता है। एरो दे देना, अब यहाँ पर आप लोग उसका नेचर लिखो इमेज का, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, और कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f2, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्लियर, समझ में आया, मैग्नीफाइड इमेज बना। अब ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट जो है वो F1 में है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F हो गया, F1, ऑब्जेक्ट जो है वो F1 में, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट और पास आ गया,
ऑब्जेक्ट और पास आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट F1 में है। अब आप लोग यहाँ पर वो रे डायग्राम करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को पहले बना दो F1 में, ठीक है। ऑब्जेक्ट F1 में, ये लो ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 में बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से वही दो रे ऑफ लाइट निकलेगा, एक तो सीधा जाएगा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाला तो निकाल दो रे भाई सीधा सीधा, ठीक है, ये ऐसे दिखा दो रे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो F1 में है, तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट निकला, मतलब रे ऑफ लाइट दो टू निकल रहा है, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वो अनडेविएटेड पास हो गया, ठीक है। ये लाइन को भी आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब जो जो ये यहाँ से रे निकल रहा है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ पास होगा बच्चों? रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा। तो यहाँ पर इतना दूर फोकस है, तो यहाँ पर फोकस F2 बना लो, है ना, सेम। अभी इसको पास करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग मिले नहीं है, देखोगे तो ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, ये लोग मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ पर? एट इन्फिनिटी, ये लोग इन्फिनिटी में, टू इन्फिनिटी में, मतलब इतना दूर जाके ये लोग मिलेंगे इन्फिनिटी में जाके, ये लोग डेफिनेटली इमेज बनेगा ना। यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, इमेज बनने के लिए दोनों लाइन को से क्रॉस करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये लोग नहीं दिख रहे हैं क्रॉस होते हुए, लेकिन ये लोग क्रॉस ज़रूर से होंगे, कहाँ पर? इन्फिनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट हम लोग दिखा दिए, और ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस में टू एफ टू ये सब सजा के लिख देना, लिख दिए। अब यहाँ पर इमेज लिखो, रियल पेन गया, इमेजेस रियल है, इन्वर्टेड है, एंड फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा इमेज? इन्फिनिटी में। अब आप लोग याद करो और एक चीज़, हाईली मैग्नीफाइड, एंड हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ा होगा। अब आप लोग याद करो, एक हम लोग ऐसा कंडीशन पढ़े थे शुरू में, जब ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटी में था, दूर में था, तो इमेज बने था फोकस में। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस में आ गया तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी में, और उस समय जब फोकस में बन रहा था पॉइंट साइज तो एकदम छोटा सा बन रहा था ना इमेज, और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस में आ गया, इमेज बन रहा है इन्फिनिटी में लेकिन बहुत दूर बन रहा है, तो हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ा भी बनेगा वो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी वो बनेगा। रियल है, इन्वर्टेड है, और इन्फिनिटी में बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस, अब देखो अभी तक आप लोग जितना भी डायग्राम देखे हो सब में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सब में इमेज इधर साइड ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है इमेज, रियल इन्वर्टेड इधर ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना इमेज सब केस में। लेकिन अब जो केस पढ़ोगे उसमें आपका रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगा, उसमें बनेगा वर्चुअल इमेज, मतलब इधर ही बनेगा, इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये फोकस इधर पास में बना देते हैं, एक ठो हो जाएगा F1, ठीक है, F1 हो गया ये यहाँ पर, ओके। अभी इमेज ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो, ऑब्जेक्ट कहाँ करोगे? अभी कंडीशन में बिटवीन F1 एंड O, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है AB, ठीक है, AB नाम दे देते हैं ना इसको भी यहाँ पर, ए बी। रे ऑफ लाइट निकालो, तो बच्चों यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकला और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये केस में ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास करेगा, तो इतना दूर में फोकस है तो यहाँ पर भी इतना दूर में ही फोकस कर दो F2। पेन कहाँ गया? फोकस से पास करवाओ, पेन से ही कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो लाइट छितरा के जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जा रहा है, एक ऐसे एक ऐसे। इस केस में ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये लोगों का कोई चांस नहीं है मिलने का, ये लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों लाइट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, स्प्लिट हो जा रहे हैं, पर इमेज तो बनेगा, तो
तो इमेज कैसे बनेगा यहाँ पर? इमेज यहाँ पर लेंस के इसी साइड में बनेगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस में अगर ऑब्जेक्ट रखे हो तो यहीं पर बनेगा। कैसे? रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को डॉट डॉट करके इसको पीछे की तरफ खींच लो और दोनों जहाँ पर मिलेंगे उधर ही बन जाएगा हम लोगों का इमेज। इसका रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ऐसे ऐसे खींचे और ये फोकस का खींच लो। ये फोकस का खींच लिया हम लोग, यहाँ पर बना तो ये आपका देखो यहाँ पर ये लोग मिले तो इतना बड़ा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज बना। यहाँ पर भी इमेज अच्छा बड़ा बनता है। अगर ये ए बी है तो यहाँ पर ए डैस बी डैस सीधा बन रहा है, देखो सीधा एकदम यहाँ पर बन रहा है। तो इस केस में, खाली इस केस में, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो इस केस में जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और कहाँ बन रहा है? ऑन द सेम साइड एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा एंड ऑन द सेम साइड, उसी साइड में, अदर साइड में नहीं, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल मैग्नीफाइड वाला लिखी कि नहीं? या इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, इट इज मैग्नीफाइड। ये मैग्नीफाइड भी है, मैग्नीफाइड भी है। यहाँ पर F2 F1 है तो यहाँ पर बना दो 2F1, यहाँ पर बना दो 2F2। क्लियर? तो आपको इस टाइप से आपको रे डायग्राम दिखाना पड़ेगा। रे डायग्राम में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में फंस जाओगे, और फंसोगे तो मार्क्स भी फंस जाएगा, है ना। तो ये आप लोग कन्वेक्स लेंस का पढ़े। अब थोड़ा आप लोग कनकेव लेंस का देख लो कि कनकेव लेंस के केस में क्या है, कनकेव लेंस के केस में क्या है, कनकेव लेंस के केस में किस टाइप से आपका ये इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही रूल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो कंडीशन पढ़ेंगे, दो बस, सिर्फ दो रे डायग्राम पढ़ेंगे। पहला, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में, और आप लोग हमेशा याद रखना कनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। कनकेव लेंस के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा और इधर साइड ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। ठीक है, अब सपोज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया सपोज फोकस, जिसको हम लोग F2 लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में, मतलब दूर से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, दूर से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट ला दो और एक तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग लिया है। आप लोग क्या पढ़े थे? इट विल डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये देखो डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। अगर ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गया, इधर उधर भाग गया, तो इमेज कहाँ से बनेगा भाई? इमेज तो बनेगा ना, इमेज कब बनता है? जब ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है वो, मेनली जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो क्या होता है, वो रियल में अगर मिलता है, लेकिन यहाँ तो रियल में मिलेगा नहीं, तो दे अपीयर टू मीयर, आप लोग पढ़े हो तो आप लोग क्या करोगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है इसको पीछे पीछे लेके आओगे, डॉटेड लाइन की मदद से आप लोग इसको पीछे पीछे लेके आओगे, और ये जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर आपका बनेगा क्या, इमेज। आप लोगों को पता है जब कभी भी अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है, इमेज बनता है फोकस में, तो यहाँ भी इमेज बनेगा फोकस में, यहाँ भी इमेज बनेगा बच्चों फोकस में। ऐसे डॉटेड लाइन लेके आना फोकस तक, ठीक है, ये फोकस में, यहाँ पर लग रहा है ना, दे अपीयर टू मीट हियर, सो इमेज यहाँ पर फोकस में बनेगा, और बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो हमने यहाँ पर इसका लिखेंगे इमेजेस वर्चुअल, क्योंकि इधर साइड ही ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी में, और इमेज आपका इधर साइड ही बन रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ टू इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने एफ टू में ही वो बन रहा है, फोकस में ही बन रहा है लेंस के सामने। दूसरा, दूसरा
when the object is at a finite distance from a concave lens. Concave lens से finite distance, मतलब infinity में नहीं है, lens के सामने में ही है. Infinity में नहीं है पर lens के सामने में ही यहीं कहीं पर वो है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर. ये आपका हम लोग क्या बनाए, फोकस बना देते हैं F2. ये आप लोग बना दो 2F2. सपोज इधर में आपका ऑब्जेक्ट है ऐसे सामने में, लेंस के सामने में, दूर में नहीं लेकिन लेंस के सामने में है, ऐसे इन्फिनिटी में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से भी अगेन रेज ऑफ लाइट लेके आओ. एक रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया इधर, और एक रे ऑफ लाइट को आप लोगों को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है. तो ऑप्टिकल सेंटर वाला तो बच्चों क्या होगा, वो अनडेविएटेड ऐसे ही निकल जाएगा. उसको हम लोग सीधा ही निकाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाले को सीधा ही निकाल देते हैं. तो यहाँ पर कहाँ पर इमेज बनेगा वो देखते हैं. तो ये लो, ये तो निकल गया सीधा. अब इसका क्या काम होगा, इसका ये करेगा ऐसे पीछे जाएगा, मतलब ये ऐसे डाइवर्ज होगा. ये ऐसे क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा, मतलब ये ऐसे करके डाइवर्ज हो गया. और इट अपीयर्स टू व्हाट, अपीयर्स टू मीट एट फोकस. तो आप लोग इसको ऐसे बना देना, ये डाइवर्ज होगा और लगेगा कि ये फोकस में, मतलब फोकस में ये मीट कर रहा है. लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं इमेज बनने का, तो हम लोग को देखना पड़ेगा. यहाँ पर ये दो रे ऑफ लाइट है, एक ये रिफ्रैक्टेड हो गया, यही रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया, और एक ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया. ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट में मिल रहे हैं. तो यहाँ पर इमेज यहाँ बनेगा, इस पॉइंट में हम लोगों को इमेज देखने को मिलेगा. और सीधा अगर ये ए बी है तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जहाँ मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगा. और देखो कितना छोटा बना. तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स कनकेव लेंस के सामने किधर रखे हो, बस सामने होना चाहिए. तो उसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा और छोटा ही बनेगा. ठीक है, तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट. सीधा बन रहा है ना, देखो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. इधर तो हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ तो हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था. ठीक है, बुक में देख लेना कहीं कहीं पर हाईली डिमिनिश्ड क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप लोग देख लेना. यहाँ पर ये डिमिनिश्ड एंड इस फॉर्म्ड कहाँ बना है, बिटवीन द फोकस. आप लोग चाहोगे तो बिटवीन F2 एंड O भी लिख सकते हो. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लियर, समझ में आया. तो उसमें खाली दो कंडीशन था, दो कंडीशन को प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, अभी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस जो इमेज बनाए उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो बच्चों कन्वेक्स लेंस रियल वर्चुअल दोनों बना रहा था, लेकिन कनकेव का आप देखियो वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बना रहा है. कन्वेक्स लेंस छोटा भी था, सेम साइज़ का भी था, मतलब कन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा था बड़ा भी था. याद है ना, डिमिनिश्ड भी पढ़े थे आप लोग कन्वेक्स लेंस का इमेज का, सेम साइज़ भी पढ़े थे, मैग्नीफाइड भी पढ़े थे. लेकिन कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड छोटा ही इमेज बनाता है. कन्वेक्स लेंस का जो इमेज बनता है, जो रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है, और ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो इरेक्ट होता है. तो इसके इमेज इन्वर्टेड इरेक्ट दोनों हो सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा. लेकिन कनकेव लेंस के इमेज क्योंकि वर्चुअल होते हैं तो हमेशा इरेक्ट, हमेशा सीधा वो लोग होंगे. क्लियर, समझ में आया. तो बच्चों ये आप लोगों का पार्ट वन यहीं पर ख़त्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइन कन्वेंशन एंड लेंस फार्मूला पढ़ेंगे. मतलब शायद नेक्स्ट पार्ट आपका एंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म. ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को समझो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, वो इम्पॉर्टेंट है. मैं आप लोगों के कोर्स के हिसाब से सब चीज़ों को कवर करी हूँ. और कहीं पर भी कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके क्लियर कर सकते हो. और रिलेटेड टू केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स, उससे रिलेटेड भी कुछ भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट करके अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. थैंक यू.